नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर हनीत कौर और आज की जो फेस वॉश वाली टिप है ना, वो पूरी की पूरी एंटायरली निर्भर है हरमन प्यारी ग्लिसरीन के ऊपर। ग्लिसरीन एनी ब्रांड, आपको पता है 25, 50, 100, 200, ये तो 250 वाली है। एनी ब्रांड आप ले सकते हो, जो छोटी शीशी होती है वो 50 से शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, ग्लिसरीन लेनी है और मैं अभी अपने हैंड पे ले रही हूँ एक दो तीन तीन ड्रॉप्स, ठीक है। और ये सिर्फ मैं अपने हाफ फेस पे लगाऊंगी, इस साइड पे, ठीक है। हाँ, फेस पे मैंने ग्लिसरीन लगा ली। अब आपको फेस वॉश, किसी भी फेस वॉश को आप कन्वर्ट कर सकते हो एक एक्सपेंसिव क्लेंजर के। उसमें मैं आपको साथ साथ अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मैं क्यों, मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया और किस चीज़ से इंस्पायर हुई। तो फेस वॉश आप कोई भी ले सकते हो। ये मेरा ट्रैवलिंग वाला फेस वॉश है जो मैं अपने पर्स में रखती हूँ अगर कभी ट्रैवल करना हो, क्योंकि और बड़े साइजेस वाले छोटे में अवेलेबल नहीं होते। तो ये वाला आपको पता है कौन सा है, तो इससे इसको मैं लगा के दिखाऊंगी कि क्या डिफरेंस आता है। तो एक साइड पर ग्लिसरीन लगा ली, एक साइड पर नहीं। तो अभी मैं फेस वॉश लूंगी, सेम 2 to 3 ड्रॉप्स, हाफ इस साइड पे लगाऊंगी और हाफ इस साइड पे जहां पे ग्लिसरीन नहीं है। अब पहले ये चीज याद रखना, चाहे ग्लिसरीन लगाई हो चाहे नहीं, मैं सिर्फ इसलिए ये करके दिखा रही हूं ताकि आपको याद रहे कि हमेशा पहले अपने क्लेंजर को ड्राई फेस पे, पूरे फेस पे लगाना है, बराबर क्रीम जैसे। सूखे चेहरे पे पहले फेस वॉश को लगाना है ड्राई फॉर्म में, ये इनएक्टिव फॉर्म हो गई। अब इसके बाद जब हम इसको गीला करते हैं ना, तो फिर हम पानी से एक्टिवेट करते हैं, लेकिन पहले इसको ड्राई फॉर्म में आपको लगाना है। तो मैं ये दोनों साइड लगा रही हूँ, याद रखना ये लेफ्ट साइड पे ग्लिसरीन के साथ है और राइट साइड पे बिना ग्लिसरीन के है। तो अभी लेट्स वॉश इट, आपके सामने ही वॉश करें, ठीक है। तो पहले जैसे ड्राई किया था, अब पूरे फेस पे मैं इसको वेट कर रही हूँ, और जैसे हम नॉर्मली फेस वॉश करते हैं। और हमेशा याद रखो, पहले ड्राई बाद में पानी, और लगाने के बाद ये वाले एरियाज मत भूला करो, फेस के अंडर, ये वाली हेयर लाइन, अंडर आई, नोज, ये हिस्सा, अच्छे से सारा फेस क्लीन कर लिया। और 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक अच्छे से अपने फेस को वॉश किया करो, जितना टाइम होता है तुम्हारे पास, ठीक है। ऐसे राउंड मोशन में गर्दन के नीचे कर लिया, अब इसको वॉश करते हैं। ये मेरा तो पता ही नहीं लगता कि फेस धोया है कि नहीं धोया है। चलो अभी इसको क्लीन ड्राई करते हैं, तो बाहर जाके दिखाते हैं। तो जब हम वॉश करके आते हैं तो इमीडिएटली हमें फील होता है अपनी स्किन पे कि ये वाली स्किन जो नॉर्मल कोई भी फेस वॉश हो, लिटरली आपका 50, 100, 200 रुपए वाला एनी बेसिक फेस वॉश, अगर आप उसके अंदर ग्लिसरीन मिक्स करके अपने चेहरे पे लगाते हो तो जो ग्लो आती है वो ग्लिसरीन एकदम से ऐसे लगता है कि वो ठहर गई है स्किन पे, और स्किन बाद में ड्राई नहीं होती और ज्यादा ग्लो करती है और इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और वही जो दूसरी साइड है वहां पे भी ग्लो तो है क्योंकि फेस तो क्लीन हुआ है, लेकिन ड्राईनेस और ऐसे मैट इफेक्ट है। आप देख लो ध्यान से, इधर से ड्राई इफेक्ट है और इधर से लाइक ग्लॉसी वाला इफेक्ट है। तो जब हम फेस वॉश करते हैं तो इससे इतना यही वाला इफेक्ट आता था जो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। अब हुआ कैसे कि जब मैंने ये वाली क्लेंजर बनाने का सोचा, वो इसलिए सोचा क्योंकि मैंने एक दमा प्लानिंग करने के वक्त ना, मैं एक जो ब्रांड यूज करती हूँ वो बाहर से मंगवाना पड़ता है, और वो बहुत एक्सपेंसिव था और वो इंडिया में उस तरीके का क्लेंजर या कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। तो जब भी मैं अपने पेशेंट्स के ऊपर वो यूज करती हूँ दमा प्लानिंग करते वक्त, तो वो बिना दमा प्लानिंग किए कि भी इतना ग्लो दे देता था वो क्लेंजर, पर वो उसकी कमी ये थी कि वो 2700 रुपीज का है और वो बहुत महंगा है और वो हर कोई नहीं बाय कर सकता। इवन मैं खुद के फेस पे भी वो रेगुलर यूज नहीं करती हूँ, वो अपने मेरे हॉस्पिटल में पड़ा है, पेशेंट्स के लिए रखा हुआ है फॉर द डर्मा प्लानिंग, क्योंकि मैंने डर्मा प्लानिंग अपग्रेड किया, आपको शायद पता होगा। तो क्या हुआ, मैंने सोचा यार ऐसे नहीं हो सकता, अब घर पे हम फेस वॉश को कैसे इतना अच्छा बनाए कि उसको यूज करने के बाद, फेस वॉश यूज करने के बाद ही ग्लो आ जाए। तो मैंने फिर उनको जैसे ईमेल भेजी उनके ब्रांड वालों को, और उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़ी इंटरनेट पे, देखा कि क्या स्पेशल है इसमें जो हमारे इंडिया के फेस वॉशेज में नहीं है। तो उससे फिर मेरे को उन्होंने तो कुछ बताया नहीं, कोई आपको पता ही है कि इंटरनेशनल ब्रांड वाले हमें भाव देते नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कहा यार खुद से एक्सपेरिमेंट करती हूँ। फिर मैंने बहुत चीजों का एक्सपेरिमेंट किया, फाइनली मैंने एक दिन अचानक से ऐसे इमरजेंसी वाले टाइम पे, मैंने ना पहले मैं कहा यार फेस वॉश बड़ा ड्राई सा कर रहा है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग वाला फेस वॉश है जो मेरे पर्स में रहता है। तो मैंने ना एमी बस अपने अपनी तरफ से सोच के पहले इसको ग्लिसरीन में मिक्स कर लिया, और जो मेरे फेस की उसके बाद सिचुएशन थी, मेरे को मॉइस्चराइजर की ऑयल की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना मतलब इतना अच्छा लगा मेरे को यूज करके, क्योंकि स्किन ऐसे ग्लो कर रही थी, हाइड्रेटेड फील कर रही थी। पर ये बात गलत है, आपको मॉइस्चराइज करना है डेफिनेटली बाद में, अभी मैं करूंगी, पर मैं आपको बता रही हूँ कि जरूरत ऐसा लगता है कि पड़ेगी नहीं क्योंकि स्किन इतनी ग्लो करती है।
तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं 2-3 दिन और लगातार करती हूँ कि पिंपल्स वगैरह तो नहीं आते। तो मैंने किया, काफी दिन रेगुलर किया, इवन जो फेशियल आपको बताया था उसमें भी यूज किया, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और आपके सामने है, ऐसे होता है और आपके साथ भी होगा, आप भी एक बार ट्राई करके देखो। तो इससे फिर मेरे को रियलाइज हुआ, एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि मैं इसलिए ब्रांड लॉन्च नहीं करती हूँ क्योंकि काइंड ऑफ आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट गेम, पर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए आप लोगों के कि नहीं मैम आप प्लीज ब्रांड लॉन्च करो, क्योंकि आपने भी हालात देख लिए हैं कि आजकल ब्रांड्स में क्या है क्या नहीं है, और मुझे भी पता है कि हम देख ही रहे हैं आजकल। तो मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम नहीं आप करो, आप उस लाइन में जाओ, आप टाइम निकाल के जाओ। तो लाइक जो मेरे, अगर मैं कभी करूंगी भी तो मेरे मन में पता क्या एक वो चीज है, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल ब्रांड वाले, जो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जो भी हाई फाई ब्रांड्स हैं जिनको हम बहुत ज्यादा मानते हैं, जिसके प्रोडक्ट्स मैं खुद भी यूज करती हूँ और पेशेंट्स को भी बोलती हूँ यूज करने के लिए, जब वो बहुत ज्यादा ऐसे फील करवाते हैं ना जैसे लाइक हम कुछ भी नहीं है, और मेरे मतलब सोशल मीडिया पे होने के बावजूद मुझे वो वाली चीज नहीं अवेलेबल है, या कोई कह लो भी उनके साथ कोलैबोरेशन है कुछ भी, मुझे लाइक आई डिड नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी, मुझे नहीं मिली है, शायद मेरे कम सब्सक्राइबर, या मे बी बिकॉज इंडियन कम्युनिटी में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, मुझे रीजन नहीं पता है, पर मैं उनकी इतनी जेन्युइन ट्रू लवर हूं उनके प्रोडक्ट्स की, लेकिन फिर भी मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया उन सब ब्रांड्स में से जो भी मैं खुद यूज करती हूँ और आपको भी बोलती हूँ। तो मैंने सोचा कि हम अपना इंडिया का पैसा बाहर क्यों भेज रहे हैं, ऐसे सोचा मैंने कि हम अपना इंडिया का पैसा बाहर क्यों भेज रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए हमें इंडिया में वो चीज प्रोड्यूस करने की ट्राई करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली आई नो कि मैं वो बाहर वाली चीज सेम टू सेम कॉपी तो बना नहीं सकती हूँ, पर कोई ऐसी चीज जब तक मेरे मन में नहीं फाइनलाइज में नहीं करती हूँ, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी चीज जो अभी तक इंडियन मार्केट में नहीं है, मैंने पहले भी बोला था मैं कोई वैसी चीज नहीं करूंगी जो ऑलरेडी पड़ी है मार्केट में, पर जब तक मेरे दिमाग में कोई ऐसी चीज नहीं आती जैसे मैं घर पे अब एक्सपेरिमेंट करती हूँ, घर वाला फेस वॉश, घर वाला ये फेस वॉश की आपको टेक्निक बता दी, घरेलू ये चावल के आटे वाला स्टब बता दी, जब तक मेरे मन में कोई ऐसी यूनिक चीज नहीं आती है प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त, तब तक मैं नहीं करूंगी। ये उन लोगों के लिए रिप्लाई है जो मेरे को मैसेजेस कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं कमेंट्स में जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि क्या आप लोग सीरियसली ये चीज चाहते हो कि मैं खुद का ब्रांड लॉन्च करूं इंडिया में बना हुआ और इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन सारी चीजें उसमें यूज करके, कि आप लोग उस चीज को वो चाहते हो, क्योंकि मेरे को जो मैसेजेस आए मैं उस बेस पे आपसे बात कर रही हूँ। तो एक ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि डू यू गाइज रियली वॉन्ट दैट, एंड इफ यू वॉन्ट दैट मुझे अच्छा लगेगा जान के, फिर मैं थोड़ा उस चीज के लिए टाइम निकालूंगी, लेकिन अभी तक के लिए मेरा कोई प्लान नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है इन फ्यूचर, भगवान ने क्या क्या सोचा हुआ है, मे बी धीरे धीरे जब इंसान बढ़ता है तो ऐसे ही सक्सेस आती है धीरे धीरे, तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, अभी तक ये आपकी वजह से हुआ है, आगे भी आपकी वजह से ही बढ़ेंगे। मुझे तो बस ये मेन ही है कि आप लोगों को रिजल्ट्स आने चाहिए, बाकी सारी चीजें तो चलती रहती हैं, चाहे आप उनसे खरीदो चाहे मुझसे खरीदो, बात सिर्फ ये है कि वो होता ना मन में थोड़ा सा गुस्सा नहीं यार, एक वो होती है ना फीलिंग कि जब आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, आपको कोई भाव नहीं देता है, आपको कोई जरूरी नहीं समझता है आपको, वो वाली फीलिंग आपने कभी फील की है, वो वाली अगर फील की है तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट्स में शेयर करना, वो वाली फीलिंग मेरे को आ रही है पिछले एक साल से। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोग मेरे को प्यार देते हो, और ये वाली सबसे बेस्ट फीलिंग है, ये सबसे बेस्ट फीलिंग है मेरी लाइफ की, ये यूट्यूब अवार्ड कि मुझे इतना प्यार मिला। पर जब जिस लेवल पे मैं सोचती थी कि मैं जाऊंगी, वो वाली चीज, वो ब्रांड्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना, वो चीज वो कहीं ना कहीं वो दिल में रह जाती है, वो सोच के शायद मैं किसी दिन जरूर जब टाइम मेरे पास होगा मैं ब्रांड लॉन्च करने की सोचूंगी और ऐसी चीज बनाऊंगी जो उनके प्रोडक्ट से भी अच्छी होगी। तो आप अपना आशीर्वाद देना कि कोई ऐसी चीज मैं अपने, कोई ऐसा यूनिक चीज, कोई ऐसी नई चीज मैं लेके आ सकूं। पर अभी के लिए मेरे को सिर्फ आपकी जो सोच है इस टॉपिक पे वो जाननी है कि आप मेरे जो ट्रू फॉलोअर्स है वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो एनीवेज आप लोग ट्राई करना ये फेस वॉश वाली टेक्निक, और जो मैंने बोला है इसके ऊपर सोच विचार करके मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, बस यही बताना था आज। और मैं फटाफट मॉइस्चराइजर लगा लूं, 3 मिनट वाला रूल तो मैं भूल ही गई। ओके मिलते हैं अगली वीडियो में।